हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। हमें कुछ क्वांटिटीज देंगे और उनका हमें कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है कि कौन सी स्मॉल है, कौन सी लार्ज है, या फिर किसका परसेंटेज कम है, किसका परसेंटेज ज्यादा है। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम एक दूसरे की हाइट कंपेयर करते हैं, स्कोर कंपेयर करते हैं। हम अगर बाइक वगैरह चला रहे हैं, कोई व्हीकल चला रहे हैं, तो हम उसकी स्पीड कंपेयर करते हैं। इस तरह हम कुछ ना कुछ कंपेयर करते ही रहते हैं। तो आज हम यहाँ पर मैथ्स की कुछ क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वांटिटीज हैं, जो भी हमें क्वेश्चंस देंगे, हम उनके अंदर कंपेयर करेंगे कि कौन सा परसेंटेज ज्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा रेशियो। जैसे रेशियो किस फॉर्म में होते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में, तो ए की वैल्यू ज्यादा है या फिर बी की वैल्यू ज्यादा है, इस तरह से हम उनको कंपेयर करेंगे। सेकेंड है प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड टैक्स। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे कि प्रॉफिट लॉस में कैसे कंपेयर करेंगे और डिस्काउंट और टैक्स में हम किस तरह से इनका कंपेयर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। देन हम पढ़ेंगे फाइंडिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट, किस तरह क्वांटिटीज चेंज हो जाती है, कैसे डिक्रीज होती है और कैसे इंक्रीज होती है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर हम लास्ट में कुछ पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन, कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लिया है हमने यहाँ पे रेशियो। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी, हमने दो क्वांटिटी ली है ए और बी। जब हम इनका रेशियो करेंगे तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाएगा ए अपॉन बी, ठीक है। और विच इज रिटन एज, और उसको लिखा कैसे जाएगा, जब आप उसको रेशियो की फॉर्म में लिख रहे हो तो इस तरह इसको लिखते हैं ए फिर डबल डॉट बी, इस तरह से। और इसको बोलते क्या है, आप किस तरह इसको प्रोनाउंस करोगे, इसको प्रोनाउंस करते हैं ए इज टू बी, ए इज टू बी, इसका मतलब है इज टू, ठीक है। ए इज टू बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर जो अपॉन में आएगी वैल्यू, नीचे की साइड जो वैल्यू आएगी वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, मतलब अपॉन में कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो इस तरह हम रेशियो को लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके टर्म्स क्या होते हैं और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे नेक्स्ट हमने लिया है रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी रेशियो की क्वांटिटी आपको दे रखी है, उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आप किसको बोलते हो। अ रेशियो ए इज टू बी इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। एक रेशियो दे रखा है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहलाएगा, जब ए एंड बी हैव नो कॉमन नंबर्स अदर देन वन। जब ए और बी, अगर कोई दो क्वांटिटी है तो उसमें ए और बी, उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में कोई भी कॉमन नंबर ना हो सिवाय वन के, मतलब सिर्फ वन ही कॉमन हो, उनके अलावा कोई भी उनमें कॉमन ना बचे, वो उस क्वांटिटी की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें एग्जाम्पल 15:10, ठीक है, 15:10 दे रखा है हमारे। अब हम इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, आपने देखा है कि 15 और 10 इनका कॉमन फैक्टर कौन है, इनका कॉमन फैक्टर होता है 5, क्योंकि ये 5 के टेबल में 15 भी आता है और 10 भी आता है। तो आप यहाँ इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए क्या करोगे, जो इनका कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर दो। 15 को डिवाइड किया 5 से, यहाँ बीच में रेशो का साइन लगा दो, 10 को डिवाइड किया 5 से, यहाँ पे क्या आया 3:2। क्या 3:2 में कोई भी फैक्टर या कोई कॉमन नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 3 और 2 में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है कि ये 1 से डिवाइड हो सकते हैं, या फिर कॉमन फैक्टर बोल सकते हो आप 1 को इसका। तो ये इसकी क्या हो गई, 3:2 15:10 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। इस तरह हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे कि लास्ट में कोई भी कॉमन नंबर ना बचे सिवाय 1 के, वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी।
नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है सिंपलीफाई का। हमें रेशियो की फॉर्म में तीन क्वांटिटी दे रखी है जिनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, सिंपल फॉर्म में लेके आना है। कैसे निकालोगे आप? 5/2 रेशियो 3/8 रेशियो 4/9। तो आपको जो अपॉन में क्वांटिटीज दे रखी होती है उनका आपको एलसीएम करना होता है, एलसीएम ऑफ 2, 8, 9। इन तीनों का हम एलसीएम करेंगे। कैसे करेंगे? 2, 8, 9। सबसे पहले आपको 2 से ही एलसीएम करवाना है, 2 से डिवाइड करके करवाना है। इससे बड़ी डिजिट आप नहीं लोगे, सबसे पहले 2 से चेक करवाओगे। अगर 2 से नहीं होता है तो उसके बाद आप 3, 4 इस तरह कंटिन्यूअस फॉर्म में लेके जाओगे। यहां से 2 से किया 4, 9 क्या है? ऑड नंबर है तो 9 का तो डिवाइड जाएगा ही। वापस किया 1, 2, 9। एक बार फिर से कर लेते हैं 2 से इस तरह से, और लास्ट में हमारे पास क्या आया? एलसीएम यहां से हो जाएगा, जितने भी नंबर से ये जा रहा है वहां क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 9। ये तो क्या हो गए? 8, 8 × 9 क्या आ जाएगा? 72। तो इनका एलसीएम क्या आया? 72। एलसीएम निकालने के बाद आप क्या करोगे? जैसे ये दे रखा है 5/2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 72। देन दे रखा है 3/8 मल्टीप्लाई 72। हमें फिर दे रखा है 4/9 मल्टीप्लाई 72, ठीक है। इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। यहां से जब आप सॉल्व करोगे 72 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 36। 36 को मल्टीप्लाई किया 5 से, क्या आ गया? 160, ठीक है। इसी तरह आप इसको करोगे, 8 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार गया? 9 टाइम्स। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 27, ठीक है। अब हमारे पास एक और डिजिट बची हुई है, 72 को 9 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स। 8 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से कितना आया? 32। 32 आ गया। ये हमारी क्वांटिटीज निकल, ये हमारा ये निकल गया कि जब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद ये सिंपल फॉर्म में आया इस तरह से। इस तरह से अब लिखा जा सकता है 160:27:32। अब आपको देखना है कि क्या इनमें कोई कॉमन नंबर या कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। ये क्या है? इवन नंबर। ये क्या है? ऑड नंबर। और ये भी क्या है? इवन नंबर है। जब आप इनका कोई भी कॉमन फैक्टर ढूंढने लगोगे आपको कॉमन फैक्टर या कॉमन नंबर इनमें नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी कि और ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आप नहीं लेके आ सकते हो। तो हमें क्वेश्चन में यही दे रखा था कि इन डिजिट्स को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 160:27:32। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोर्शन। आपने रेशियो तो पढ़ा कि रेशियो क्या होता है? ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है, और जैसे अपन इस तरह लिखते हैं ए अपॉन बी, तो उसको रेशियो की फॉर्म में ए इज टू बी लिखते हैं, और बी नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरह आपने पढ़ा कि बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो हो गई रेशियो की बात, ठीक है, ये तो हो गई रेशियो की बात। अब यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ रेशियो, ऐसा स्टेटमेंट जो ये स्टेट करता हो कि रेशो जो है वो सारे इक्वल हैं। रेशो क्या होता है? जैसे ए रेशो बी, ए इज टू बी है, वो इक्वल हो दूसरे वाले रेशो के, सी इज टू डी। जैसे यहाँ पे 4 क्वांटिटीज दे रखी हैं ए बी सी डी। जब आपको ये बोले कि ए बी सी डी आर इन द प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब आपको सीधा सा ये मिलेगा कि ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी, या फिर ए इज टू बी। फिर यहाँ पे ये देखो, ये जो है ये सिंबल होता है प्रोपोर्शन का, ठीक है, ये सिंबल होता है प्रोपोर्शन का, सी इज टू डी, ठीक है। तो आप प्रोपोर्शन को इस तरह लिखोगे, जब रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम एंड मीन टर्म। अगर आपको प्रोपोर्शन के फॉर्म में 4 क्वांटिटी दे रखी है, जैसे यहाँ पे ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी इस तरह से दे रखी है,
तो यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म और मीन टर्म क्या आएगी? एक्सट्रीम टर्म हम बोलेंगे ए एंड डी को। ए एंड डी क्या है? ए एंड डी ये क्या है? एक्सट्रीम टर्म है। एक्सट्रीम टर्म क्यों है? क्योंकि ए यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म। डी यहाँ पे क्या है? फोर्थ टर्म। फर्स्ट और लास्ट का रेशियो क्या होगा? एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, फिर है बी एंड सी। बी एंड सी क्या है? मीन टर्म। मीन टर्म मतलब मिड में जो है, बी और सी ये क्या है? मिड में है, तो इनको क्या बोलेंगे? मीन टर्म। जहां पे बी क्या है? सेकेंड टर्म, और सी क्या है? थर्ड टर्म। तो इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो फाइंड करना है। स्पीड ऑफ अ साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। एक साइकिल की स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि एक घंटे में 15 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है, साइकिल से जा रहा है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 15/60। क्यों? किलोमीटर क्या है? 15। आवर क्या है? 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपॉन में 60। देन है कि स्कूटर की जो स्पीड है वो क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। स्कूटर क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? 30/60, क्योंकि ये भी क्या है? एक घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है, तो इसकी क्या आ गई? 30/60। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है। इन दोनों का रेशियो आप किस तरह निकालोगे? 15/60 = 30/60। यहां से देखो, ये क्या है? इसके भी अपॉन में 60 है और इसके भी अपॉन में 60 है। या तो आप डायरेक्ट यहीं से कैंसिल आउट कर दो, या फिर इस तरह से कर दो, 15 × 1 = 15, 15/4 = 60, 30 × 1 = 30, 30/2 = 60। यहां से क्या आया? 1/4 = 1/2। ये आ गया। यहां से क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई 2:4। 2:4 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि इनमें अभी भी क्या है? 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन लिया तो 1:2। ये क्या आ गया? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। आपको जब भी पूछे कि रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो, तो आप उसको लास्ट तक सिंपलेस्ट फॉर्म तक निकालोगे। तो यहाँ से इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई? स्कूटर और साइकिल की 1:2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंटेज या फिर परसेंट। आपने बहुत बार नाम सुना होगा परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? ये जो टर्म दे रखी है परसेंट, इसका मतलब होता है पर सेंट। फॉर एवरी हंड्रेड, या फिर आप बोल सकते हो आउट ऑफ 100 में से। जैसे आपको कई बार ऐसे देखा होगा लिखा हुआ 7%, 8%, 100%, 200%। तो ये जो आगे ये साइन लग रहा है परसेंट का, इसका मतलब होता है 7/100। अपॉन में क्या जाएगा? 100। आउट ऑफ 100, 100 में से 7। ठीक है, तो ये क्या है? ये परसेंटेज है आउट ऑफ 100। आप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये कि आउट ऑफ 100, आप इस तरह याद कर लो, आउट ऑफ 100 की 100 में से। इसको डिनोट किससे करते हैं? इस सिंबल से। ठीक है, आपको कहीं भी दे रखा हो, जैसे आपके पास आपको मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें जैसे क्या लिखा हुआ आता है? 10/10, 9/10, इस तरह लिखा आता है ना। तो 9/10 का मतलब क्या है? 9 आए हैं 10 में से, 10 में से 9 मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये तो इसका मतलब होता है। तो यहाँ से इसकी परसेंटेज क्या बन गई? इसकी परसेंटेज बन गई 90%। कैसे? 90% का सिंपल फॉर्म क्या होता है? 90/% है। परसेंट का सिंबल हटते क्या आएगा अपॉन में? 100। 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया? 9/10। ठीक है, तो इस तरह मार्क्स वगैरह को भी, या फिर कोई रेशियो की फॉर्म में दे रखे हो, उनको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको दे रखा हो 15/100, इसका परसेंटेज निकालो। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये 100 है, इस 100 को हटा के क्या लिख दोगे? 15%, क्योंकि परसेंट का सिंबल आते ही क्या आता है? अपॉन में 100 आता है।
तो ये एक इजी सी डेफिनेशन हो गई परसेंटेज की। तो अब हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन। अब हम कन्वर्ट करेंगे जो क्वांटिटीज हमें दे रखी है उनको एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर आपको रेशियो के फॉर्म में कोई क्वांटिटी दे रखी हो तो परसेंटेज के फॉर्म में आप किस तरह निकालेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है 6:5 या 6:5, ठीक है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में ले आओ 6/5। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लेके आना है 6/5। देन आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगा दो, फिर लास्ट में आपको परसेंटेज का साइन लगाना है। बस इतना सा काम करना है, आप रेशियो को इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे 6/5 है तो ये मल्टीप्लाई का साइन लगता है, तो मल्टीप्लाई किससे होता है, ऊपर वाले डिजिट से, तो 600/5 और बाहर साइन क्या है, परसेंटेज का, ठीक है। तो जब 600 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके वैल्यू क्या आ जाएगी, 120%, ठीक है, 120%। जब आप 6:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इनका परसेंटेज क्या आएगा, 120%, ठीक है। ये देखो ये क्या है, 10/50 है। इसको हमने 10/50 को लिखा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में साइन क्या लगा दिया, परसेंटेज का। क्या आ गया यहाँ पे, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1000/50, ये क्या है, परसेंटेज। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, यहां से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 20%, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा हमारा 20%। थर्ड आपको दे रखा है 8/25, आपने लिख दिया 8/25, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से और साइन क्या लगा दो, परसेंटेज का, ठीक है, क्योंकि आप किस में चेंज कर रहे हो, परसेंटेज में चेंज कर रहे हो। 800/25 आगे क्या आएगा, परसेंटेज, ठीक है। यहां से देखो, जब आप या तो ऐसे कर सकते हो 100 को 25 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम जाएगा, 4 times, 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो 8 से, क्या आ जाएगा, 32, या फिर इस तरह 100 में 25 का डिवाइड करवा दो, क्या आ जाएगा, 32%। चेंज हो गया ये भी, इसका 20% आया, इसका 120% आया। तो इजीली आप रेशियो को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशियो। अब हमें परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले दे रखा है 46%। क्या करोगे, 46% का साइन हटाओगे और अपॉन में 100, ठीक है। सबसे पहले टर्म तो ये हो गई कि परसेंट का साइन हटाओगे और अपॉन में 100 लगा दोगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने की प्रोसेस क्या बताई थी, कि इन दोनों में कोई कॉमन नंबर से इनको डिवाइड कर दो। तो अभी फिलहाल आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कॉमन नंबर है, तो आप 2 से डिवाइड कर दो इसको, 46/2/100/2, यहां से क्या आएगा, 23/50, ठीक है। अब यहां से आपने देखा कि 23/50 आ गए, रेशो के फॉर्म में आ गया, या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हो 23:50, ठीक है, ये रेशो के फॉर्म में आ गया। अब क्या आपको दिख रहा है कि 23 क्या है, ऑड नंबर है और 50 है इवन नंबर, इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर या कॉमन नंबर नहीं है, तो ये आ गई इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमको दे रखा है 1%, 1% का साइन हटाओगे क्या आएगा अपॉन में 100, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 100, इनका रेशियो क्या बन गया, 1:100, ठीक है, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 20%, परसेंट का साइन हटाओगे और अपॉन में क्या लगा दोगे, 100, ठीक है। अब 20 और 100 में से क्या कॉमन है, आप या तो ऐसे कर सकते हो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, क्या बचा, 2/10, 2/10 में क्या कॉमन है, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे दोनों साइड, क्या आ जाएगा, 1/5, इसको रेशियो की फॉर्म में क्या लिखोगे, 1:5। यहां से हम इजीली परसेंटेज को भी रेशियो में चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। कैसे परसेंटेज में इंक्रीज जब होता है तो उसका परसेंटेज इंक्रीजिंग परसेंट क्या होगा, डिक्रीजिंग परसेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट में क्या करते हैं, जो आपको ओरिजिनल क्वांटिटी दे रखी है वो अपॉन में लिखते हैं, और कितने परसेंट से वो इंक्रीज होती है उसको अपन ऊपर की तरफ लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और देन परसेंट का साइन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इंक्रीज 240 by 25%। 240 में 25% का इंक्रीमेंट हुआ है, या फिर 240 में 25 इंक्रीज हुए हैं, 25%। ठीक है, तो इनको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, 25% ऑफ 240 का पहले 25% निकाल लो, कि 240 का 25% क्या होता है, जो वैल्यू आए उसको 240 में ऐड कर दो। क्यों? तो यहां से देखो 240 का 25% किस तरह आप निकालोगे, 25 से डिवाइड करो 240 को, क्या आएगा 60। ठीक है, मतलब 60 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। देन आप क्या करोगे, 240 में 60 ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा 300। मतलब 240 में 25% का जब इंक्रीमेंट करेंगे तो 300 आएगा। या तो आप इस तरह से निकाल सकते हो कि 240 का पहले 25% निकाल लो और फिर उसमें जो वैल्यू आए वो ऐड कर दो। सेकंड मेथड देखो आप किस तरह करोगे, 240 अगर आपको बोले इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करोगे, 100 में 25 ऐड कर दोगे, कितना आ गया 125 अपॉन 100, परसेंटेज की फॉर्म में है तो अपॉन में क्या आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इंक्रीज बोले तो ऊपर वाले जो वैल्यू लिखोगे आप वो 100 में प्लस करके लिखना, और अगर डिक्रीज बोले तो 100 में से माइनस करके लिखना। अब यहां से देखो 25 से दोनों को कैंसिल करोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, और ये जाएगा 4 टाइम्स, 240 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4। यहां से जब आप डिवाइड करोगे क्या आएगा, 60 मल्टीप्लाई 5, यहां से भी वैल्यू क्या आ गई 300। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, या तो पहले 25% निकाल लो फिर उसमें जो ओरिजिनल वैल्यू है इसमें 60 ऐड कर दो, या फिर डायरेक्ट इस तरह निकाल सकते हो कि अगर आपको इंक्रीज बोले तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करोगे तो 100 प्लस करके करोगे, और अगर डिक्रीज बोले तो 100 माइनस करके करोगे। तो इस तरह से आई थिंक ये ज्यादा इजी रहेगा, और अगर आप बेसिक से बेस से एकदम करना चाहते हो तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है द पॉपुलेशन इन अ स्मॉल टाउन इंक्रीजेस फ्रॉम 20,000 टू 21,250 इन 1 ईयर, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। लास्ट ईयर पॉपुलेशन क्या थी 20,000, एक साल बाद क्या हो गई 21,250। ठीक है, तो आपको इंक्रीज जितनी हुई है उनका परसेंटेज निकालना है, जो हमने यहां से देखा था इंक्रीज परसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इंक्रीज क्वांटिटी, ये कितना इंक्रीज हुआ है। तो 21,250 माइनस 20,000, ठीक है, क्या आ जाएगा यहां से, जब इसमें से ये माइनस करोगे क्या आ जाएगा 1,250। ठीक है, ये क्या आया इंक्रीज क्वांटिटी, कि कितना इंक्रीज हुई है। अब आपको क्या निकालना है, इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा 1250, जितना इंक्रीज हुआ है वो ऊपर के साइड, और अपॉन में क्या आएगी ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल पहले कितने थे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 देन परसेंट का साइन। ठीक है, यहां से अब इसके आगे क्या करोगे आप, यहां से देखो अपॉन में क्या है 00, 00 से 00 कट, इस जीरो से ये जीरो कट, क्या आ गया 125 अपॉन 20। ठीक है, यहां तक आ गया 125 अपॉन 20 आ गया। ठीक है, अब इसको आप किस तरह सॉल्व करोगे,
यहां से देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, फाइव कॉमन है, फाइव से दोनों ही डिवाइड हो सकते हैं। तो फाइव से जब आप इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 25/4। क्या आ गया, 25/4। जब आप या तो यहां तक छोड़ सकते हो या फिर इनको डिवाइड करके जो डेसिमल्स में वैल्यू आएगी, पॉइंट में वैल्यू आएगी, उस तरह भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन हो, परसेंटेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप इंक्रीज परसेंट या फिर आपको डिक्रीज परसेंट पूछे तो इस तरह से आप इनको निकाल सकते हो। अब हम पढ़ेंगे डिक्रीज परसेंट के बारे में। डिक्रीज परसेंट में भी सेम वैसा ही है जैसे इंक्रीज अमाउंट ऊपर लिखते हैं और ओरिजिनल क्वांटिटी नीचे लिखते हैं, वैसे इसमें क्या होगा, डिक्रीज क्वांटिटी ऊपर और ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन में। फिर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का साइन लगाना है। जैसे हमने पिछली बार क्वेश्चन क्या लिया था, इंक्रीज 240/25%। तो यहाँ हम ले रहे हैं डिक्रीज, सेम वही क्वेश्चन ले रहे हैं, बस इसमें क्या कर रहे हैं हम डिक्रीज, डिक्रीज 240/25%। ठीक है, ये क्वेश्चन लिया मैंने, क्या बताए थे, दो मेथड बताए थे। तो फर्स्ट यहां से देखो 240 का 25% क्या हो जाएगा, 25% आ जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, फिर आपको करना है कि जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी 240, इसमें से आपको 60 माइनस कर देना है। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, 60 माइनस कर देना है, क्या आ जाएगा यहां से 180। ठीक है, यहां से क्या आ गई वैल्यू 180। नेक्स्ट देखो, यहां से 240 मल्टीप्लाई, मैंने क्या बोला था, अगर इंक्रीज बोले तो यहाँ पे इंक्रीज करके लिखनी है, डिक्रीज बोले तो 100 में से माइनस करके लिखनी है। तो 100 में से 25 माइनस करोगे क्या आएगा, 75/100। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 75/100। 240 मल्टीप्लाई 25 से डिवाइड कर दो दोनों को, क्या आएगा, 3 times और ये 4 times, 3/4। यहां से देखो 60 मल्टीप्लाई 3, 240 को डिवाइड किया 4 से, क्या आ गया 60 को मल्टीप्लाई किया 3 से, क्या आ गया 180। तो यहां से आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज के बारे में पढ़ा। देन हमने इनका कन्वर्जन पढ़ा कि रेशियो से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज से रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लेते हैं, ये सब हमने पढ़ा। और हमने लास्ट में पढ़ा था इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट। आप इनके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।